स्मृति जी, आपने हाल ही के दिनों में श्रद्धा के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा। श्रद्धा के साथ जो हुआ, शायद उससे इस देश का हर नागरिक शर्मसार है, लेकिन शर्मसार इसलिए भी ज्यादा है कि श्रद्धा ने एक चिट्ठी लिखी थी 2 साल पहले, 23 नवंबर 2020 को, और उसने मुंबई पुलिस में हिम्मत करके वो चिट्ठी दी थी जिसमें ये लिखा था कि मुझे इस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और आज ही मुझे गला घोटकर मार देने की कोशिश भी हुई। 26 दिन तक वो चिट्ठी पड़ी रही वहां पर, लेकिन बाद में क्योंकि वो चिट्ठी वापस हो गई, इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उद्धव ठाकरे की सरकार में पुलिस का किस चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा था वो टाइम्स नाउ से बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन निश्चित रूप से नाविका जी, एक विषय के लिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। कम से कम आपने विक्टिम का नाम लेने से इनकार नहीं किया और इसको फ्रिज मर्डर केस नहीं कहा, जैसे कि कुछ टेलीविजन चैनल्स कहते हैं। मुझे लगता है कि जब एक केस जिसमें ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उस पर कैबिनेट मंत्री से टिप्पणी करने को कहा जाए, तो एक संवैधानिक और कानूनी मर्यादा के मध्य में मैं इतना बोलना चाहूंगी, जब वॉयरिस्टिक हेडलाइन आती है कि ही डिड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, नोबडी कट्स अ वुमन इनटू स्मॉल पीसेस इन द हीट ऑफ अ मोमेंट, नोबडी कंटिन्यूज टू बीट अ वुमन हु ही क्लेम्स टू लव और इज इन अ रिलेशनशिप विद इन द हीट ऑफ द मोमेंट, the fact that the abuse was continuous, the fact that the abuse was known to so many people, and the fact that there was not much that she could get in terms of help, is an issue which needs to be elaborately reflected on by people at large. Kyunki intimate partner violence and violence by members of family of women is something that is aggressively reported in the National Crime Records Bureau. तो एक तरफ जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटीमेट पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में जो वायलेंस है उसके ऊपर भी चर्चा करने की जरूरत है। पहले ये भ्रम फैलाया जाता था कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो इतना पीटेगा, लेकिन अब पता चलता है और बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं बाहर कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एन इशू विच इज ओनली रिलेटेड टू मेन हु आर नॉट एजुकेटेड। दिस इज एज मच एन अर्बन फिनोमेना एज इट इज was presumed to be a rural phenomena. The issue is कौन कौन वो लोग हैं at the workplace, family में, जो लोग जानते थे that she is being violated, she is being beaten, she is being threatened, and were somehow compelled not to help. बहुत आसान है एक औरत को कहना तुम पिट रही हो तो छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ा? लेकिन जितने लोगों ने ऐसे विक्टिम से बातचीत की है या ऐसे केसेस के ऊपर जिन लोगों का थोड़ा बहुत अध्ययन है, वो जानते हैं दैट द मेंटल फियर इज सच कि आप उसे खुले कमरे में छोड़ दो, वो एक कदम नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि हम एक केस की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को सिंप्लीफाई ना करें। मेरा सवाल यही है कि वो हिम्मत बांध के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देती है और 26 दिन वापस लेने का प्रेशर, और 26 दिन पुलिस क्यों उसके ऊपर तत्काल किसी ना किसी प्रकार से एक्शन नहीं लेती, जैसे कि मैंने कहा सिस्टमिकली प्रशासनिक स्तर पर और साथ ही सामाजिक स्तर पर। वो कौन लोग हैं जो जानते हैं कि एक लड़की ने पुलिस के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किया, आई नीड प्रोटेक्शन? वो कौन लोग हैं जो जानते हैं कि उन्होंने उस कागज को फिर वापस ले लिया? वो कौन लोग हैं कि ये व्हाट्सएप कर रहे हैं? और मैं दोबारा कह रही हूँ, इट्स एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, इट्स एब्सोल्युटली इम्प्रॉपर फॉर मी टू कॉमेंट दैट देर आर व्हाट्सएप मैसेजेस दैट आई सी ऑन टेलीविजन, जो जानते हैं, बट नोबडी सीम्स टू कॉल द कॉप्स। लेकिन स्मृति जी, मैं इन्वेस्टिगेशन में, बट लाइक आई सेड नाविका जी, आई एम ग्रेटफुल कि आप उसको फ्रिज मर्डर केस नहीं कह रहे। नहीं, मेरे लिए श्रद्धा इस देश के हर नागरिक को शर्मसार करने वाली एक लड़की है, क्योंकि 2 साल पहले उसने लिखा। मैं आई एम सॉरी, उसको जिसने मारा, आप उस किलर के बारे में और उसके क्राइम और उसके इंटेंट के बारे में देश को दोष ना दें। यहां कितने पुरुष बैठे हुए हैं, दे विल नॉट पुट अप विद अ वुमन गेटिंग बीटन एंड जस्ट
बी साइलेंट विटनेसेस टू इट. मैं पूछना चाहती हूं, सो फोकस ऑन द पर्सन हु किल्ड हर एंड डू नॉट डिविएट फ्रॉम इट. मैं डिविएट नहीं कर रही हूं, मैं ये पूछ रही हूं कि जो भी औरत कंप्लेंट लेकर जाती है उसके ऊपर प्रेशर वापस लेने का हमेशा रहता है, चाहे तो वो कौन करता है? घर के लोग करते हैं. तो उस लड़की का क्या? आज अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो श्रद्धा यहाँ होती? आज अगर हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और फैमिली मेंबर से रिलेटेड वायलेंस की चर्चा करते हैं, अथवा कोई जानकार किसी दोस्त के माध्यम से महिला प्रताड़ित होती है, शोषित होती है, उसकी बात करते हैं, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके पूरे देश को ये नहीं कह सकते यू शुड बी अशेम्ड, बिकॉज देयर आर मेनी मेन एंड फैमिलीज दैट स्टैंड अप अगेंस्ट सच वायलेंस व्हेन इट इज ब्रॉट अपॉन गर्ल्स और वुमेन इन देयर ओन हाउसेस. यू नीड टू ब्रिंग आउट दोज फैमिलीज, दोज मेन, दोज वुमेन टू टेल पीपल दैट यू नीड टू स्पीक आउट एंड गेट हेल्प. यू विल नॉट बी ह्यूमिलिएटेड बाय सोसाइटी एट लार्ज. मैं आज दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि अगर देर इज नो मैन वर्थ एंड नो बडी इफ ही लव्स यू विल बीट यू टू डेथ, उसको